राजस्थान में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। तापमान 50 डिग्री को पार भी कर चुका है कुछ हिस्सों में। उदयपुर की बात करें तो यहाँ पर भी 44 डिग्री से ज़्यादा तापमान हो चुका है, जबकि मई के औसत तापमान की बात करें तो 40.2 डिग्री रहता है उदयपुर में। इसी को लेकर गर्मी से बढ़ते मरीजों के लिए उदयपुर संभाग के सबसे बड़े महाराणा प्रताप भोपाल चिकित्सालय में ये एक स्पेशल वार्ड तैयार किया गया है, लू तापघाट हीट स्ट्रोक वार्ड, जिसको लेकर महाराणा प्रताप भोपाल चिकित्सालय की तरफ से कई व्यवस्था की गई है। और यहाँ से एंट्री होती है इस वार्ड की, और वार्ड के अंदर हम आपको दिखा देते हैं कि कई तरह की एसी से लेकर अलग अलग जो दवाइयाँ होती हैं उन दवाइयाँ, बेड और सबको रिजर्व किया जा चुका है। ORS घोल की यहाँ व्यवस्था है, और आइस की जो व्यवस्था रखी जाती है हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए उनकी व्यवस्था है। हमारे साथ में है RL सुमन सर, अधीक्षक हैं हॉस्पिटल के, इनसे बात करेंगे। सर, क्या वार्ड है, किस तरह की व्यवस्था की गई है? देखिए, जहाँ अभी अपन खड़े हैं ये हमारा मेडिकल इमरजेंसी का लू तापघात के लिए अभी रिजर्व किए वार्ड है। यहाँ पे 10 बेड हमने लू तापघात के मरीजों के लिए रिजर्व किए। ये वार्ड आपके सामने देख सकते हो, ये हमने कूलिंग के हिसाब से एसी का इंतजाम है। यहाँ पे मरीज सीरियस है उसके लिए वेंटिलेटर का, बाकी मॉनिटरिंग का भी इंतजाम है यहाँ पे। और इसके साथ में जो गाइडलाइन है अभी उसके लिए हमने सारी तैयारियाँ करके, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास में मेडिसिन के किट अलग से बनी हुई है। मरीज़ जो आता है उसके लिए आइस पैक्स हैं, आइस क्यूब्स हैं, ORS का घोल है, ठीक है, टेम्परेचर रिकॉर्डिंग के साधन है, बाकी जो भी मरीज़ को ज़रूरत है, फ्लूड की ज़रूरत है, ग्लूकोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध है। यहाँ पे कोई भी मरीज आएगा मेडिकल इमरजेंसी में, यदि उसको सस्पेक्ट किया जाता है लू तापघात का मरीज है, तो यहाँ पे प्राइमरीली हम एडमिट करके उसको मैनेज करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे, एंड देन फिर उसके बाद में उसकी जो कंडीशन के मुताबिक ICU की ज़रूरत है तो हमारे ICU है, मेडिकल ICU पास में, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, और पेशेंट स्टेबलाइज हो गया तो हम उसको वार्ड में शिफ्ट करेंगे। हमारे पास अभी वातावरण को देखते हुए उदयपुर का टेम्परेचर थोड़ा सा बाकी ज़िलों से कम रहता है, करीब करीब 2 डिग्री का डिफरेंस रहता है, तो अभी कोई मरीज भर्ती नहीं हुआ यहाँ पे। और हम उम्मीद करते हैं कि ऊपर वाला ईश्वर ऐसे ही बनाए रखे कि उदयपुर बिल्कुल शांति रहे इसमें। और बाकी आमजन से मेरी आप लोगों के माध्यम से ये रिक्वेस्ट होगी कि जो तापमान की अलर्ट घोषित कर रखा है इसमें अनावश्यक कार्य से आप बाहर नहीं निकले, खासकर 11 बजे से 4 बजे के बाद बीच में आप बाहर नहीं निकले। यदि कोई आवश्यक कार्य से निकलना पड़ता है तो अपने साथ में बचाव के लिए ज़रूर लेके चलें साधन, कि आप छाता लेके चलें, सिर को और गर्दन को कवर करता हुआ कपड़ा होना चाहिए, कॉटन के कपड़े पहने, और अपने साथ में एक पानी की बोतल जरूर रखें। इसी के साथ में घर के अंदर भी खासकर ध्यान रखें, आप इस समय घर में भी रह रहे थे, आपका पंखा चलता रहे, वेंटिलेशन का साधन हो, कूलिंग का इंतज़ाम हो, घर के अंदर रहते हैं तो आप खूब अच्छा से अच्छा पानी पिए, सॉफ्ट ड्रिंक्स में जो मार्केट वाली अवॉइड करें, पर जो नेचुरल हमारे घर की हैं कि आप नींबू पानी पिए, शिकंजी में पिएगा, छाछ पीजिएगा, लस्सी पीजिएगा, नारियल पानी पीजिएगा, जो नेचुरल ड्रिंक्स हैं वो आप उनको खूब इस्तेमाल करना चाहिए। और इवन मार्केट में भी जाएं, कई बार देखने को मिलता है कि मार्केट में जाते हैं दोपहर के टाइम पे सोते हैं, एसी की गाड़ी है और एसी भी अच्छे एसी कई बार इस तापमान पे फेल हो रहे हैं, और खासकर छोटे बच्चों को गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी नहीं छोड़ो, ये बिल्कुल भी कुछ मिनट के लिए भी नहीं छोड़ें, नहीं तो हीट स्ट्रोक का पेशेंट वहाँ पे वो बच्चा ग्रसित हो सकता है। तो मेरी आमजन से भी रिक्वेस्ट होगी कि अपना बचाव ही अपनी सुरक्षा है, अनावश्यक काम से बाहर नहीं जाएं, और अपना पूरा ख्याल रखें, खुद का रखें, अपने परिवार का रखें, घर मोहल्ले का रखें, और सभी का ख्याल। मरीज कैसे आ रहे हैं सर? यहाँ पर उदयपुर संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सभी जिलों से यहाँ आते हैं, तो किस तरह की स्थितियाँ हैं, किस टाइप के मरीज आ रहे हैं? अभी हमारे पास में जो लू तापघात के कोई मरीज भर्ती नहीं हुआ, अभी सस्पेक्टेड बाहर से जरूर आए, बट यहाँ पे जब भी आए तो उनका कोई टेम्परेचर नहीं था, बाकी सब उनको दूसरी प्रॉब्लम थी इस तरह की, तो कोई भी अभी हमारे पास कोई IPD भर्ती नहीं हुई इसकी लू तापघात की। और टेम्परेचर जैसे आज बड़ा थोड़ा सुकून मिल रहा है, तो उम्मीद करें कि बारिश आ जाए जल्दी से, ईश्वर कृपा करे उदयपुर के ऊपर। अच्छा सर, एक सवाल हमेशा रहता है कि हीट स्ट्रोक लग जाता है हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, कहीं बच भी जाते हैं, कहीं की डेथ भी हो जाती है, तो बॉडी का टेम्परेचर किस स्तर पर पहुंच जाता है? गर्मी में सभी निकलते हैं गर्मी में, लेकिन किसी को स्ट्रोक होता है, किसी को नहीं होता है, तो बॉडी की क्या स्थितियाँ बनती है, किस तरह से होता है? देखिए, ये एक हर चीज़ के लिए नेचर्स गिफ्ट होती है कि इम्यूनिटी एक पावर होती है सभी की इस तरीके से, तो हीट स्ट्रोक भी छोटे बच्चे या कम ऑर्बिट वाले पेशेंट्स होते हैं कि जो लंबी बीमारी से ग्रसित हैं, किडनी के रोग के हैं, लीवर के रोग के हैं, या किसी को दवाइयां चल रही हैं,
उम्र बहुत ज़्यादा है, जिनका स्किन से जो टेम्परेचर रेगुलेशन होता है वो नहीं हो पाता, तो वो एक तरह से उनको थोड़ा ज़्यादा संभावना होती है। यंग ब्लड्स को या थोड़े बच्चे जो मैच्योर उस तरह के होते हैं उनको ज़्यादा बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं दे, एकदम से नहीं देगा। बट यदि एक्सट्रीम सिचुएशन होती है तो ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी इससे ग्रसित नहीं हो सकता, किसी को भी हीट स्ट्रोक हो सकता है। परंतु बचाव के लिए एक ही है कि अपने आप को छाया में रखें, कवर करके रखें, कॉटन के कपड़े पहने, जिससे आपका स्वेटिंग जो मैकेनिज्म है वो अच्छा अच्छा बनता रहे और टेम्परेचर कंट्रोल होता रहे। बिल्कुल, तो ये है हीट स्ट्रोक का जो वार्ड है, तापघाती वार्ड। देख सकते हैं 10 बेड की व्यवस्था है, यहाँ पर एसी है, टेम्परेचर बिल्कुल डाउन है, ताकि मरीज को हीट स्ट्रोक का मरीज कोई भी आए तो उनको यहाँ पर बेहतर तरीके से उपचार किया जा सके। क्योंकि राजस्थान की बात करें तो 59th डेथ आज की तारीख में हो चुकी है, 59 डेथ हो चुकी है। हाईकोर्ट ने आज ही आदेश दिया है कि राज्य सरकार सभी को मुआवजा दे। हालांकि विभाग की तरफ से, चिकित्सा विभाग की तरफ से कुछ घोषित किए हैं, कुछ नहीं किए गए। तो उदयपुर की बात करें तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का भी हीट स्ट्रोक, लू लगना, उल्टी, दस्त, इस प्रकार के मरीजों की यहाँ पर कोई कमी है, और ओपीडी में भी इस तरह के मरीज नहीं, लेकिन पेट दर्द के मरीज काफ़ी आ रहे हैं।